बोर्ड गठन पश्चात कालचिनी खण्डको विभिन्न ग्राम पञ्चायतहरूमा निर्वाचित प्रधान र उपप्रधानले कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा शुक्रबार चुवापाडा ग्राम पञ्चायतमा प्रधान सुबन्ती चेक बराइक र उपप्रधान विवेक राणाले आधिकारिक रूपमा आआफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन्। यस अवसरमा प्रधान सुबन्ती चेक बराइक र उपप्रधान विवेक राणालाई पञ्चायत सदस्यहरू एवं ग्राम पञ्चायत अधिकारी लगायत तृणमूल नेताहरूले फूलको गुच्छा र खदा पहिराएर स्वागत औ शुभकामना दिएको थियो। प्रधानको कुर्सी ग्रहण गरेपछि सुबन्ती चेक बराइकले पार्टीको शीर्ष नेताहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आउँदो दिनमा क्षेत्रको विकासको निम्ति सक्रिय काम गर्ने र क्षेत्रको विकासको निम्ति सकारात्मक पहल गरिने जनाएकी छन्। यसै क्रममा तृणमूल नेता हैदर अली अन्सरी, चुवापाडा अञ्चल सभापति सबिर लोहारले प्रधान र उपप्रधानलाई मिलेर काम गर्ने र साँचो विकास गरेर देखाउने आह्वान गर्दै शुभकामना दिएका छन्। सर्वप्रथम त सबैलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद। आज हाम्रा यहाँनिर बोर्ड गठन पश्चात आज हाम्रो यहाँनिर प्रधान उपप्रधानलाई चार्जको रूपमा आज हामीलाई बसाइयो र भोलि हाम्रो प्रधानमा पनि विधायकको साथमा टोटल हामीले एकदमै राम्रो रोजगार हामी आज सधैँमा हाम्रो यहाँनिर उपस्थित हुनुभएको हाम्रो एकदमै लोकप्रिय दादा हाम्रो हैदराम श्री दा, सबिर दा, माइन दादा सबैले नै आफ्नो आफ्नो एकदमै राम्रो भूमिका निभाउनु भएको छ र यहाँनिर चाहिँ हामीलाई प्रधान उपप्रधान दिनुमा चाहिँ एउटा वरिष्ठ नेता र जिल्लाको हाम्रो हुनुहुन्छ जिल्ला परिषद प्रेसिडेन्ट हाम्रो प्रकाश सिंह बराई हाम्रो प्रेसिडेन्ट हाम्रो दादाजी उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो हामीलाई योग्यता अनुसार हामीलाई प्रधान र प्रधानको भार सोपिदिनुमा धेरै धन्यवाद र आउँदो दिनमा चाहिँ हामीलाई राम्रो काम गरी हाम्रो यो चुवापाडा अञ्चलको विकासको र प्रगतिको बाटोमा लानुको लागि हामीलाई एउटा मौका दिनुभएको छ र त्यसमा हामी खडा हुन्छौँ भन्ने हामी एकदमै प्रयास गर्नेछौँ र जति पनि हाम्रा 22 पार्टको मेम्बरहरू छ उहाँलाई हामी एउटा परिवारको रूपमा देखेर साथमा लिएर उहाँलाई अगाडि बढाउनेछौँ र सबैको पार्ट पनि हामी प्रगति गराउने हामी कोसिस गर्नेछौँ भन्दै यति नै म वक्त राख्न चाहन्छु। सबैले हामीका मुख्यमन्त्री ममता दिदीले साथमा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट प्रकाश सिंह बराय जो प्रेसिडेन्ट वीरेन्द्र बारावराम दादा जेनरल सेक्रेटरी हामीका हैदर दादाके बहुत बहुत धन्यवाद दिएको चाहना जे कि आइ हुनुके यी प्रधानका भारके सोपलेन मोर उपर विश्वास जतालेन कि म यी गर्ने सक्षम साबित हो और आजकल जे प्रोग्राम रहे सिकमे हामीघर जे प्रधान रहे भगवती उराम जे जे आइ हुनुके कार्यभार ओ अपन हातसँग मुके सफल गेलक म जनताके यही कहेक चाहना कि जे हामीघर अञ्चलमे 22 जे मेम्बर आएँ सिकरमे विरोधी भी आएँ पार्टीकर भी आएँ और दुई पार्टी का भी आएँ गर्मी से मई के को भी भेदभाव करे नहीं चाहना के को भी भेदभाव भाव नहीं करूँ और साथ ही साथ जे हम अंचल कर डेवलप कर काम कर लेंगे मई सबको पार्ट में समान तरीका से ही ध्यान देव सबको एक काम करबू और जितना भी हम यहाँ जनता मन आए उमन नहीं संकोच हो गए आइए अपन जे भी काम है से मने मुके बताब करब से गर्मी हमेशा मैं यही कोशिश रही कि मई सबको काम के करे सकबू। सबसे पहले हमारे बीच उपस्थित यहाँ पर हमारे आज के नव निर्वाचित कार्यभार संभालने वाले प्रधान सुबंधी जी बड़ा एक साथ में छोटा भाई उप प्रधान के रूप में विवेक राणा जो जिन्होंने आज यहाँ पर पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला और समस्त पंचायत मेंबर को चुनापड़ा अंचल के सभी को शुभकामनाएं ढेर सारी। उनका आने वाला दिन अच्छा हो, गाँव का विकास हो, समाज का कल्याण हो, प्रगति करे। उनके नेतृत्व में हमारा चुनापड़ा अंचल का प्रत्येक पार्ट तो हम लोगों का दल की तरफ से हम लोग हमेशा उन लोगों को कोऑपरेट करेंगे। जो भी फंड डेवलपमेंट के लिए हुई लोगों के तरफ से हमारे पास एप्लीकेशन आएगा। जैसे हमारे बीच में अभी हाल ही में राज्यसभा का सांसद मिला है, उनके द्वारा काफ़ी सारा फंड आवंटित होगा। उन फंडों को हम लोग इधर डाइवर्ट कराने की कोशिश करेंगे क्योंकि जियोग्राफिकल दृष्टिकोण से हमारा जो सेंट्रल डुवर्स एरिया है, सेंट्रल डुवर्स एरिया काफ़ी पिछड़ा है और इंटरनेशनल बॉर्डर से बिलोंग्स करता है।
वहाँ सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है, और वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया है पाशा का, जिसको बोलते हैं, जो भूटान में अदर्स कंट्री, वहाँ का जो सारा डस्ट या गंदगी आता है, जो हमारे इंडियन, हमारे इंडिया के जो सेंट्रल डुवार्स में रहते हैं वहाँ के लोगों को प्रभावित हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे प्रभावित हो रहे, गर्भवती महिलाएँ प्रभावित हो रहे, इन सारी चीज़ों का हम लोग फोकस देने का कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे बीच जब सुमंती चिपड़ा प्रधान के रूप में आई पढ़ी लिखी, हमारे बीच में विवेक राणा जैसे योग्य व्यक्ति वो प्रधान के रूप में आए, हम लोग और भी जोरदार तरीके से इन सारे मुद्दों को उठाएंगे, सेंट्रल डुवार्स में सबसे ज़्यादा पानी की समस्या, उन सारी चीज़ों को दूर करने का कोशिश करेंगे। और अभी तक हम लोग लोकसभा के द्वारा ऐसा कोई लोकसभा MP जो है यहाँ अलीपुर द्वार का, उसके द्वारा एक भी काम हम लोग नहीं देख पाए हैं, लेकिन राज्यसभा का MP जो हाल ही में बने हैं प्रकाश सिंह बड़ैक, आप देखिएगा एक महीना के अंदर, लगभग एक महीना दो महीना के अंदर आप देखिएगा कितना सारा डेवलपमेंट का काम आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे। मैं सभी को यही वार्ता देना चाहता हूँ, भले ही सुगंधी सिंह बड़ैक प्रधान के रूप में चेयर में बैठी है, लेकिन हर कोई सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी सुगंधी सिंह बड़ैक का होगा, हर कोई हमारे यहाँ का जो भी पंचायत मेंबर है प्रधान के बराबर ही है, सभी डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, समाज के कल्याण के क्षेत्रों में, आर्थिक सुधार में, हर तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, यही आशा और भरोसा विश्वास में रखते हैं।